I eat rice almost, I mean, I think every day. I love jalebis and ras malai and kheer. Hot pulao and raita. Paneer pulao zyada kha leti. Samosa, I want to eat vada pav. Suno. Samne aaya Kareena ka safed jhoot. अपने फैंस को बेबो बना रही हैं बेवकूफ। टाइम आई वेक अप आई टेल माय कुक के आलू पराठा बनाओ एंड उसमें एक चम्मच घी भी डाल दो बिकॉज़ दैट इज आई मीन आई डोंट थिंक आई कैन ईट अ पराठा टुडे विदाउट। स्नैप ने कभी जीरो साइज फिगर की मल्लिका रह चुकी करीना का ये सफेद झूठ। टाइम आई वेक अप आई टेल माय कुक के आलू पराठा बनाओ एंड उसमें एक चम्मच घी भी डाल दो बिकॉज दैट इज आई मीन आई डोंट थिंक आई कैन ईट अ पराठा टुडे विदाउट। अपने फिगर को लेके एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने वाली करीना यहाँ एक के बाद एक झूठ बोले जा रही है। दरअसल करीना कपूर खान अपनी डाइटिशियन ऋतुजा की डाइट डीवीडी को लॉन्च करने आई थी, पर वहाँ मौजूद हमारी मिस चिंटैक ने जब करीना कपूर के मुँह से उनकी डाइट के बारे में सुना तो इन्हें भी चक्कर आ गया। यहाँ करीना कपूर साफ साफ लफ्जों में कहती रही कि उन्हें हरी पत्ती और घास फूस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जस्ट ईटिंग लीव्स एंड यू नो अ फ्यू वेजिटेबल्स इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव ऑन एंड इट जस्ट डजंट मेक मी हैप्पी। ये था करीना का पहला सफेद झूठ। अब ये बात कौन नहीं जानता कि अपनी जीरो साइज फिगर पाने के लिए करीना ने इन्हीं हरी पत्तियों का सहारा लिया था और उन्होंने अपनी डाइट ना के बराबर कर ली थी। लेकिन यहाँ तो करीना कह रही है कि वो बचपन से ही राइस घी के पराठे खाती आई हैं। आई ईट राइस ऑलमोस्ट आई मीन आई थिंक एवरी डे। टाइम आई वेक अप आई टेल माय कुक के आलू पराठा बनाओ एंड उसमें एक चम्मच घी भी डाल दो बिकॉज दैट इज आई मीन आई डोंट थिंक आई कैन ईट अ पराठा टुडे विदाउट। हाँ, सैफ उमिया की बेगम बनने के बाद करीना वापस वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन गई थी और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बेगम बनने के बाद बेबो सत्यग्रह की शूटिंग के दौरान बादामी मुर्ग मटन कोरमे का मजा जम कर लेने लगी थी। यही नहीं, खुद बेबो की प्यारी सासू माँ शर्मिला ने भी एक इंटरव्यू में अपनी बहुरानी के नॉन वेजिटेरियन और फिश लव का किया था खुलासा। लाइक आई मीन आई डोंट ईट मीट टू मच। तो सुना आपने अपनी इस डाइट के बारे में बेबो ने किस तरह झूठ बोला। भाई हमारी मिस चिंटैक को तो ये बातें बिल्कुल नहीं पची, लेकिन आपको करीना की ये बातें पची या नहीं?